हमारा आपसे केवल इतना निवेदन, इस पूरे श्रोता भाई बहनों से केवल इतना सा निवेदन है कि जिस भूमि को, जिस मकान को, जिस जमीन को, जिस जायदाद को आप बनाना चाहते हैं, जिस प्लाट को आप निर्मित करना चाहते हैं, कई कई घर ऐसे किराए के मकान में रहते थे तो अच्छे रहते थे, जब से घर बनाया प्रवेश करा तब से रो रहे हैं, 25 बार वास्तु शास्त्री वालों को बुला लिया, उसने यहाँ से सीढ़ी तोड़ दो यहाँ से बना दो, यहाँ बाथरूम तोड़ दो यहाँ से बना दो, ये पीछे से रास्ता कर दो यहाँ से बना दो। ईमानदारी से कहना, पहले के समय में क्या वास्तु शास्त्री होते थे? नहीं। घर के बुजुर्ग कहते थे यहाँ कमरा बना दे बेटा, बेटा कमरा बना देता, यहाँ रसोई घर बना दे बेटा, घर के बुजुर्ग कहते थे वहां कमरा बनता था, घर के बुजुर्ग कहते थे वहां पर भोजन बनता था, उसके बाद उनके घर में शांति होती थी, फिर भी उनके घर में समृद्धि होती थी, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती थी, कमाते कम थे पर देश की जिंदगी जीते थे, सुखमय जीवन जीते थे। आज के जमाने में बेटा कमारा, बहू कमारी, पोता कमारा, पोती कमारी, दादा कमारा, सारा घर कमारा, उसके बाद भी सुख और समृद्धि और शांति नहीं है, उसके बाद भी आनंद की अनुभूति नहीं है, उसके बाद भी हमेशा रोना केवल सुख का होता है। जरा सा घर में 4 लोग रह रहे हैं पर चारों के मुंह भगोने जैसे रहते हैं, एक तपेले जैसा मुंह, एक भगोने जैसा मुंह, एक थाली जैसा मुंह, एक बल्टोई जैसा मुंह, सब कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि जब जब बोले तो बर्तन की आवाज आए तो बोलेगी, एक माँ बेटी टीवी के सामने, एक माँ बेटी, एक सोफे पे बैठा, बोले ही नहीं आपस में, वो सुख गया कहां महाराज। कई लोगों के मैसेज आते हैं, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, कारण क्या है? बस कारण इतना सा है कि आपने जब मकान का निर्माण कराया, वास्तु शास्त्री को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया, सब ठेकेदार को बुलाया, सबको बुलाकर मकान, प्लाट, जमीन, जायदाद सब दिखवाया, पर आपने उस भूमि पर, पद्म पुराण कहती है, धेनु मानस कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि उस प्लाट पर आपने 3 दिन तक एक गौ माता को नहीं बांधा, 3 दिन तक एक गाय को उस प्लाट पर बांध कर चारा खिलाते, ना वास्तु शास्त्री को बुलाने की जरूरत पड़ती, ना कभी समृद्धि की, ना सुख की जरूरत पड़ती, क्योंकि गाय उस जगह से सारी इंद्रियों को आनंदित देकर सुख प्रदान कर देती है, उस जगह के सारी रोग, बीमारी, कष्ट, तकलीफ, दुख को गौ माता खींच लेती है। गौ माता जैसी जगत में कोई नहीं हो सकता, हाथ में घड़ी नहीं बांधती गौ माता, पर 4 बजे आपके यहाँ रोटी मिलती है तो 4 बजे खड़ी मिल जाती है, 3 बजे भोजन मिलता है तो 3 बजे आपके दरवाजे पे मिल जाती है, 1:30 बजे भोजन दोगे तो 1:30 बजे ही मिलेगी, 1:20 पे दोगे तो 1:20 पे ही मिलेगी, कोई घड़ी नहीं मानती फिर भी समय पर आ जाती है, क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा बनाया है, 33 कोटि देवताओं ने उसमें ऐसा विराजमान कर दिया है कि जगत का वो कल्याण कर सकती है, उसका एक एक अंश जीव का कल्याण करने वाला है, एक एक अंश जगत का उद्धार करने वाला है, पर हम ये आज के युग में हम उसको भूल गए, आज के युग में हम ये सोचते हैं कि हम वास्तु शास्त्री को बुला लें, वो ये बता दे हमने ये फ्लैट बनाया, हमने ये मकान बनाया, इसकी छत कैसी, इसका कमरा कैसा, वो बता देगा, सब कुछ बता देगा, उसके बाद भी लोगों के यहाँ सुख नहीं, उसके बाद भी शांति, फिर चलो तो चलो किसी बाबा जोगी क्या पूछ रहे जो ऐसा घूम घूम के बताता, और उसके यहां जाकर पूछ लिया, बताओ बाबा जी हमारे घर में शांति नहीं, तो बाबा जी एक ही बात बोले, तेरे ही घर का है जिसने कुछ कर दिया, अब इसको याद आया 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई थी, उसी ने कुछ करा होगा, अब बताओ बाबा जी ने आपस में ऐसा बीज बो दिया कि घर और जुड़ा हुआ था तो टूट गया, कोई बाबा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कभी नहीं कहता कि घर का है, हमेशा याद रखो संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं, संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आपका बुरा कर दे, बस आपका बुरा आपका किया हुआ कर्म करता, कोई दूसरा नहीं करता। एक नींबू गिर गया दरवाजे पे तो 14 दिन तक नींद नहीं आई, सीसीटीवी कैमरे में देखो फोन पटक के गया, मेरे को तो 3 दिन से शंका हो रही पड़ोसन पे, अब बताओ जब कैमरे में देख लिया तब मालूम पड़ा बेचारा साइकिल वाला सब्जी लेके जा रहा था उसके घर पे और नींबू पोलेथिन से टपक दिया, तब सुकून मिला कि ये नींबू, तब सोई आराम से कि पड़ोसन ने कुछ नहीं किया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वास्तु फैक्ट्स, बेल आइकन दबाएं, ना जाने किसने क्या विद्या कर दी, ना जाने कौन ने कौन सा टोना मार दिया, केवल एक दीवार ऐसी होती है जहां पर हनुमान जी का चित्र लगाया जाता है, चाहे तुम पर्वत उठाने वाला चित्र लगाओ हनुमान जी का, चाहे बैठे हुए लगाओ, चाहे रामायण पढ़ने वाला लगाओ, चाहे लंका दहन करने वाला लगाओ, चाहे राम नाम जपने वाला लगाओ, चाहे लक्ष्मण को संजीवनी देने वाला लगाओ, चाहे मौन मुद्रा में लगा दो, चाहे स्तुति में लगा दो, चाहे भजन में लगा दो, हनुमान जी का कोई भी चित्र लगता है तो ना पूरब में लगेगा, ना पश्चिम में लगेगा, ना दक्षिण में लगेगा, हनुमान जी का अगर चित्र लगता है तो उत्तर की दीवार में दक्षिण को देखते हुए लगता है, केवल एक ही स्थान। जैसे पूर्वजों के चित्र को, पितरों के चित्र को
गए हुए हमारे जीवों के चित्र को दक्षिण में विराजमान किया जाता है, उसी तरह हनुमान को उत्तर में विराजमान कर दृष्टि दक्षिण में कर दी जाए। घर में हनुमान जी के जितने फोटो होते हैं उसको केवल दक्षिण दिशा में लगा, उत्तर दिशा में लगा बिठाते थे, और दक्षिण की ओर उनकी दृष्टि होना चाहिए, दक्षिण की ओर उनका मुख होना चाहिए। क्यों महाराज? अगर व्यक्ति के जीवन में कोई बीमारी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई रोग आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई कष्ट आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई परेशानी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई एक्सीडेंट का योग भी बनने वाला है, तो शास्त्र कहता है वो दिशा दक्षिण से ही बनता है। ये दक्षिण जो दिशा है ये यम की दिशा है। यहां संपूर्ण परिवार के साथ यमराज अपने आनंद में निवास करता है, यम दिशा। और जब हमारे घर में, हम ये नहीं करें कि आप हनुमान जी का फोटो लगाओ, हम ये भी नहीं करें, आपके घर में हो और आपने अगर विराजमान कर रखा है किसी दिशा में, तो हमारा तो निवेदन रहेगा अभी तक आपने अगर जैसा रखा पर एक बार दिशा बदल कर देखना कि रोग बीमारी कष्ट दुख तकलीफ में आपको लाभ मिला कि ना मिला। हनुमान जी ने केवल दक्षिण दिशा की ओर अगर मुख कर हमने विराजमान कर दिया, फोटो ही विराज दिया, हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप बाजार से फोटो खरीद के लाओ फिर लगाओ, नहीं, आपके घर में हो तो आप लगा दें, आपके घर में हो तो विराजमान कर दीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे हर एक वीडियो से। अच्छा, कितनी विपरीतता वो भी आप जरूर जानिएगा महाराज, कि शंकर भगवान के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है उसकी जलाधारी उत्तर में जाती है। कई लोगों को तो आज भी तुलसी उतारना तक नहीं आता कि तुलसी का दल कैसे उतारा जाता है। सब्सक्राइब करें हमारा, कई जगह तुलसी के क्यारे के नीचे शंकर जी का शिवलिंग रख दिया जाता है हमारा, कई नहीं है ध्यान बस चल रहा है स्मरण। भगवान शिव का जो जल जा रहा है वो उत्तर की ओर जा रहा है, और हनुमान जी को उत्तर में विराजमान कर मुख दक्षिण की ओर कर दिया गया। क्यों? प्रबल दिशाओं में उत्तर और दक्षिण महाराज, ये जो दो दिशाएं इनको साधने के लिए कोई देवता आगे नहीं आता। अगर इन दिशाओं को कोई साधने वाला है तो केवल एक देवदेव महादेव ही हो सकता है, काल का हरण करने वाला वो महाकाल ही हो सकता है। शंकर का ही एक अवतार है हनुमान जी महाराज, रुद्र अवतार महाराज। हनुमान जी से कहा तुम दक्षिण की ओर दिशा पर संभालिए, शिव जी कहते हैं मेरा जल जब उत्तर की ओर जाएगा तो इस दिशा को मैं संभालू, चिंता ना करिए। किसी लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, 34 साल हो गए, लड़का लड़की का विवाह ही नहीं हो रहा, बहुत टेंशन है माता पिता, कोई मंगली है कोई मांगलिक है, थोड़ा ढीले कम करो प्लेन रखो, कोई मांगलिक है कोई मंगल है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पास्तू फैक्ट, संबंध हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर रहे हमारे। चार दिशा का स्मरण करिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, हथेली पर आटे का दीप लगाइए, घी भर लीजिए और चार बत्ती उसमें अलग अलग रख लीजिए, थोड़ा सा पीला चावल हल्दी में कर उसमें डाल लीजिए, जो लड़का लड़की का विवाह करना उसी के हाथ में देना है, और देव उठनी एकादशी के दिन, जिस दिन देवता उठेंगे, जिस जगह पर तुलसी शालिग्राम का आप पूजन करते हो, गन्ने के नीचे ई के नीचे तुलसी का क्यारा रखकर पूजन करते, वहां पर भगवान शिव और भगवान नारायण का नाम लेकर उस दिए को रगवा दीजिए, और वहीं पर हल्दी का तिलक उस लड़का या लड़की का कर दीजिए, और उसके हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए महाराज, 2.5 महीने 3 महीने तो बहुत हो गए, उस बच्चा और बच्ची का विवाह पक्का हो गया। श्री शिवा नमस्तुभ्यम, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।